हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको चैनल में। मैं आर्ट म्यूजियम स्वागत करते हैं आपको मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल सा बट एक प्यारा सा स्केच जो मैं पेस्टल कलर से कलर करूँगी। और हाँ, ये स्केच मैंने कैसे किया ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा day 4 में। आज मेरा day 3 है, सो इसलिए मैं एक सिंपल सा कलर पेस्टल स्केच करने वाली हूँ। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू लर्न बिगिनर पेस्टल कलर। मतलब आप बिगिनर्स हो तो शुरू में आप पेस्टल कलर कैसे करें जी, उस वीडियो में बहुत सी बातें मैं बताने वाली हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेरे 200 डेज़ का day 3 ये स्टार्ट होता है। मैं ये सिंपल सा स्केच मैं बना लेती हूँ। मैंने खुद बहुत दिनों बाद पेस्टल कलर किया है, नहीं तो मैं वाटर कलर्स कर रही थी। मैं वाटर कलर्स में तो बहुत कच्ची हूँ ही। मैंने बहुत महीनों बाद ये पकड़ा है पेस्टल कलर करना। आज का दिन बोला जाए तो मेरा बहुत ही बुरा गया। बहुत वो कैसे बुरा गया, क्यों बुरा गया, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मेरी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से मेरा दिन बुरा गया है बोला देखा जाए तो एकदम से, वो आपको आगे पता चलेगा। बहुत ही फनी मोमेंट्स हुआ है मेरे साथ आज और मुझे बहुत ही बुरा लगा, रिग्रेटेड मुझे उसके बारे में। जो देख रहे हो वे भी मेरी मिस्टेक हुई है। क्या हुआ कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज था फुल और मुझे नहीं था पता, तो मैं तो वीडियो करते करते मैं आर्ट कर रही थी, तो मैं उसमें मगन थी। बाद में मैंने देखा कि वीडियो तो हुआ ही नहीं, ये तो ऑफ हो चुका है। फिर मैंने स्टोरेज में जाके अपनी पुरानी वीडियोस वो सब डिलीट किया। उसके बाद मैंने ये जो किया है उसका दूसरे घर का कलर मैंने किया है। पहले घर का कलर मैं दिखा नहीं पाई कि उसके छत का कलर मैंने कैसे किया उसके घर का कलर, लेकिन आप दूसरे ये जो घर है उसके बारे में देख सकते हो। मतलब लिटरली मेरा स्टोरेज फुल था और मुझे खुद ही पता नहीं था। बाद में क्लियर करके मुझे सब कुछ फिर से करना पड़ा और वो क्लिप हुआ ही नहीं। तो ये घर का कलर मैंने सबसे पहले येलो लिया, येलो से शेड किया, उसके बाद लेमन येलो, उसके बाद डार्क येलो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने शेड किया है। और उसके बाद मैंने नीचे से ब्राउन कलर को ऐड किया और उसको शेड किया। एंड देन उसके नीचे से मैंने डार्क ब्राउन को ऐड किया एंड देन उसके नीचे से मैंने ब्लैक कलर को शेड करके ऐड किया है। उस तरह से मेरे बहुत मतलब कि जो है हाथ का शेडो वो बहुत ही आ रहा था, तो मैंने कैमरा को फ्लिप करके इस तरह घुमा लिया एंड ये सब कुछ इधर ट्रांसफ़र कर लिया। एंड यहाँ मैं दिखाने के लिए कि मैंने कैसे ये छत का कलर किया, इसके लिए मैंने कैमरा को फ्लिप करके इधर कर लिया। अब यह हो चुका था मेरा छत का कलर कंप्लीट। तो सेकंड मैंने ग्रे कलर को लेके वॉल पे पेंट करना शुरू कर दिया। एंड ग्रे कलर के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद मैंने डोर और विंडोज़ में ब्राउन कलर ऐड किया, उसके बाद फिर से मैंने डार्क ब्राउन ऐड किया एंड नीचे से मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर जो है ऐड कर दिया थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। और वॉल पे मैंने बाद में सैप ग्रीन का भी यूज़ किया था थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए।
नीचे जो है आंगन का कलर भी मैंने सेम ही किया है, ऊपर से ब्राउन का शेड एंड नीचे से डार्क ब्राउन का शेड। उसमें बस ये अलग है कि वहाँ पे मैंने ब्लैक ऐड नहीं करा, ब्लैक मैंने लास्ट में थोड़ा सा ऊपर में ऐड किया था। मैंने खिड़की के अंदर थोड़ा पिंक कलर भी ऐड किया है एंड थोड़ी देर में मेरा घर भी कंप्लीट होने वाला है। घर कंप्लीट होने के बाद मैं ऐड करूँगी बैकग्राउंड के कलर को, मतलब पीछे की ग्रास का। या सो यहाँ पे मेरे थोड़ी मिस्टेक हो चुके हैं और हाँ, मैंने इसको थोड़ा जुगाड़ू तरीके में रबर से रेस कर दिया जो कि मुझे खुद से मिला है। तो इसके बाद मैं ग्रीन कलर को नीचे से ऐड किया है येलो के ऊपर, लाइट येलो के ऊपर। उसके बाद इसको मैंने मिलाया बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, थोड़ा जुगाड़ भी लगाना पड़ा, लेकिन शेडिंग में तो आपको कलर मिलाने ही पड़ते हैं। मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया है, वो क्या ना आलसी होता है कभी कभी करने में। तो उसके बाद मैंने मीडियम ग्रीन लेके उसके नीचे से किया शेड एंड देन डार्क ग्रीन लेके उसके नीचे मैंने शेड किया एंड देन मैंने नीचे डार्क ब्लू कलर से शेड किया है। सेम ऐसा मैंने उस घर के पास के बैकग्राउंड में भी किया है, पेड़ बैकग्राउंड के पेड़ का। उसके बाद मैं कलर करूँगी ट्री का, जो बिग ट्री है साइड में उसका कलर करने वाली हूँ। पेड़ का कलर भी कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम प्रोसेस है बिल्कुल इसके जैसा। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे लेमन येलो ऐड करूँगी, उसके बाद लाइट ग्रीन ऐड करूँगी, उसके बाद मीडियम ग्रीन, उसके बाद डार्क ग्रीन, देन सबसे लास्ट में डार्क ब्लू को ऐड करूँगी। बस इसका स्ट्रोक अलग होगा, पेड़ का स्ट्रोक अलग है, हर चीज़ का स्ट्रोक अलग होता है। बैकग्राउंड का जैसे कि अलग है, यहाँ पे अलग है। मेरे 4 के चैलेंज में आपको ये मिल जाएगा कि स्ट्रोक क्या होता है, शेडिंग क्या होती है, कलर पेस्टल से शेडिंग कैसे करें, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अब बारी आती है पेड़ को कलर करने के लिए। पेड़ को कलर करने से सबसे पहले हमें डार्क येलो लेना पड़ता है, डार्क येलो से शेड करना पड़ता है एक साइड से, उसके बाद दूसरी साइड से ब्राउन को, लाइट ब्राउन को शेड करना पड़ता है। वही ब्राउन के साइड से हमें डार्क ब्राउन को शेड करना पड़ता है। उसके बाद लैंड का जो कलर होता है मैं वो करने वाली हूँ। वहाँ पर मैंने बेसिक से बहुत से कलर यूज़ किए हैं, आप खुद देख सकते हो। बाद में मैंने वहाँ पे ऐड किया है ग्रीन, लाइट येलो। सबसे पहले मैंने लाइट येलो यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ग्रीन यूज़ किया है, उसके बाद मैंने बहुत से कलर ऐड किए हैं जैसे कि डीप येलो, सैव ग्रीन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक भी ऐड किया है और थोड़े से स्टोन के लिए मैंने ग्रे कलर भी ऐड किया है। ग्रे कलर से मैंने छोटे छोटे स्टोन बनाए हैं साइड में, बाद में आप देखोगे। मैंने घास भी बनाया है लाइट ग्रीन से।
मेरा कलर बस यहाँ का होने ही वाला है। उसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ जो सड़क का जो कलर है वो मैंने कैसे किया। सड़क का कलर ऐड करने से पहले मैंने वहाँ पे सबसे पहले ऐड किया है डार्क येलो, उसके बाद मैंने ऐड किया है ब्राउन, उसके बाद मैंने ऐड किया है डार्क ब्राउन, मैंने सबसे लास्ट में ब्लैक कलर का यूज़ किया है और ब्लैक कलर सबसे लास्ट में ही यूज़ होता है। एंड साइड में सबसे लास्ट में मैंने बनाया है एक ग्रास। यहाँ पे मैंने सड़क में स्टोन दिखाने के लिए छोटे छोटे स्टोन जो कि हैं ग्रे कलर का भी यूज़ किया है। यहाँ पे एक और फनी मोमेंट हुआ है जो कि है इतना सब कुछ कलर करने के बाद भी मेरे दिमाग में या फिर मेरी आँखों में ये तक नहीं गया कि मेरे जो फर्स्ट घर का है उसका जो छत का जो कलर है वही नहीं हुआ, मेरा वही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा था एक बार ही में मैं दिखा दूँगी, लेकिन मैंने फिर से देखा और मैं फिर से कलर करने चली गई। तो आज का वीडियो यही तक था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड।